प्रदेश के अंदर लोकसभा की दो उपचुनाव में आज जो परिणाम सामने आए हैं उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व जीत में बदल करके चुनाव में दो तिहाई से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद दो सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में श्री दिनेश लाल यादव निरोवा, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया, ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच